हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बीएससी ऐप चैनल में। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे बीएससी ऐप को इंस्टॉल करना है और उसको यूज़ करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट की क्या ज़रूरत है। तो देखते हैं पहले स्टेप कि कैसे इंस्टॉल करना है। उसके लिए हम प्ले स्टोर पर क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे आप टाइप कीजिए BSC APP। ये ध्यान रखना है कि आपको विदाउट स्पेस यहाँ पे टाइप करना है। देन प्रेस ऑन सर्च। तो ये आपका दिखेगा, ऊपर दो ऐड हैं, फर्स्ट नंबर पे आपको यही मिलेगा। देन क्लिक एंड इंस्टॉल। ये बहुत बड़ा ऐप नहीं है तो इसे इंस्टॉल होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इट विल टेक अप्रॉक्स 30 सेकेंड। और इसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये अप्रॉक्स 10 MB का है, तो इसलिए डेटा भी ज़्यादा नहीं ले। हाँ देखिए, अब ये इंस्टॉल हो गया है। तो अब आप ओपन पर क्लिक कीजिए। तो ओपन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे लेके आएगा। देन आप यहाँ पे ये देखिए, ऐप को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको अपनी यूनिवर्सिटी कि आप किस यूनिवर्सिटी से आप स्टडी करना चाहते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास में सिर्फ उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी ऐड है, उत्तर प्रदेश ऐड है। तो इसके अलावा अदर स्टेट्स भी के लिए काम चल रहा है, वो भी धीरे धीरे ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे कि उत्तर प्रदेश में आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम हो, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी। इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है तो उसके लिए भी कंटेंट अभी आ जाएगा। जैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कंटेंट रीड करना चाहते हैं तो क्लिक ऑन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड देन सेव। जैसे ही सेव करेंगे तो उसके बाद में ये आपको कोर्स वाले सेक्शन पे ले आएगा। तो ये आपका बेसिक है। अब देखिए, जैसे कि आपने इस ऐप को स्टार्ट किया, आपको कहीं पे भी लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक एक्सेस के लिए आपको कहीं पे भी अकाउंट बनाना या उसे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं। ये ऑटोमेटिकली आपको एक डेमो यूज़र की तरह ऐड कर देगा, जैसे आप ऊपर में देख रहे हैं। तो ये आप डेमो यूज़र की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अभी स्टार्टिंग में फ्री कंटेंट यूज़ करना है तो क्लिक फर्स्ट बीएससी ऐप, जैसे फर्स्ट ईयर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, कौन सा पेपर आपको स्टडी करना है। तो आप जिस पे क्लिक करेंगे देन आप पेपर पे क्लिक कीजिए तो ये आपको टॉपिक की लिस्ट पे ले आएगा। जैसे देखिए, अब आपको टॉपिक की लिस्ट दिख रहा है। अब इसमें से जो भी आपके ये फ्री लिखा है, यानी कि इनको आप विदाउट पेमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसका कंटेंट आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, इस पर आप क्लिक कीजिए तो आपको इसके अंदर का जो भी अगर सब टॉपिक होंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ सब टॉपिक्स की लिस्ट आ जाएगी। अदरवाइज जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे। अब इस पर क्लिक पे ये देखिए, आपको कंटेंट, अगर उसमें वीडियो है तो वीडियो, प्रैक्टिस सेट है तो प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सेट है तो टेस्ट सेट। अब डेमो यूज़र और रजिस्टर्ड यूज़र में डिफरेंस क्या है? अगर आप डेमो यूज़र हैं तो आप कंटेंट और वीडियो को तो इजीली एक्सेस कर सकेंगे, मगर प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सेट को नहीं यूज़ कर सकते। रीज़न, क्योंकि ये जो मार्क लिस्ट बनाएगा तो वो किसी न किसी यूज़र के बनाएगा, तो उसके लिए आपको रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे वीडियो देखना या कंटेंट देखना तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये आपने देखा, आपको इसमें सारी चीज़ें आपको आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो। अगर आपको नहीं पढ़ने का मन है वीडियो देख के तो यहाँ से आप वीडियो के थ्रू आप स्टडी कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। एक नई वीडियो के साथ, बीएससी ऐप के नए टूल के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे हेल्दी।